ठीक है। ओ डीनो, ये क्या आतंक आ गया? I am totally amazed. Thunder starting me. Odu. मैं तितली बनी उड़ती की मस्त गगन में. Hey guys, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, किम छदा भाई। जनरेशन 8 के इस स्टार्टर में से मैंने सोबल को तो चूज कर लिया, लेकिन चैलेंज ये नहीं होने वाला है। जनरेशन 1 के इन तीनों स्टार्टर्स को मुझे पकड़ना पड़ेगा इसी वीडियो के अंदर, चाहिए जितना भी मुश्किल हो मेरे लिए। लाइक मुझे सारे जिम लीडर्स को क्यों ना हराना पड़ जाए, ये सफर आसान नहीं होगा। सो मैंने स्टोरी स्टार्ट तो कर ली, लेकिन बहुत ज्यादा वंडर भाई। मैं सोच रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है, एक चैमिलियन इतना जल्दी यहाँ पे भाई। और मुझे अभी लगा स्कोटी भी देखो यहाँ पे मडकीप है। ये मेरा भाई बहुत सही किस्मत जा रहा, ठीक है ना। फर्स्ट में मुझे चैमिलियन मिल गया, ना कि चैमेंडर, तो ये बहुत बढ़िया हो गया। और भाई यहाँ पोकेमॉन भाग रहे, लिटरली फर्स्ट टाइम हो रहा मेरे तक, या मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, आई डोंट नो, वट एवर। जो भी है, मैं इस केव से निकलता हूँ इनसे फाइट वाइट करके। सो मैंने पहला जिम बैज अर्न कर लिया है ग्रास वाला, और अब तक मुझे और कोई स्टार्टर पोकेमॉन नहीं दिखा है प्रोग्रेस में। तो भाई ये क्या, थंडरस स्टार्टिंग में, अभी तो स्टार्ट हुआ गेम, थंडरस। एक्चुअली मैंने गाइस, मैं और मेरा सिर्फ एक चैमिलियन, यही एक ऐसा पोकेमॉन जो मैं किसी भी पोकेमॉन को हरा पा रहा था, और ये हम लोग बहुत सही कॉम्बिनेशन है। हुआ ये कि मैंने इसे ग्रेड बॉल, मैंने सारे ग्रेड बॉल मैंने खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी ये पकड़ा ही नहीं रहा। देखो 1 2 3 थर्ड टाइम भी ये डिप होकर निकल जाता है, उसके बाद भाई साहब मेरा तो यार उम्मीद टूट गया और ये मरता गया। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे लगता है और दो चार जिम मुझे लड़ने पड़ेंगे, तब जाकर मैं किसी लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ सकता हूँ। और भाई यहीं पे जो मेरे से होता ना, मैं बिल्कुल चौंक जाता। पहले तो ये ड्रग डिगोन आता, ठीक है ना, और भाई गजलॉर्ड आता ना, तो यार मैं चौंक जाता, ये क्या आ गया, मतलब ये कोई पोकेमॉन गेम ही है ना। एक्चुअली में मैंने इस पोकेमॉन को इतना बड़ा सा नहीं देखा था अब तक, ठीक है ना, ताकि मैं इसे देखूं। तो यार ये फर्स्ट टाइम, ये क्या गया ग्रुप, तोड़ दूंगा, हटे यार सामने से, इसको आने दे। गजलॉर्ड भाई सॉ, आई डोंट थिंक तो मैं इसे पकड़ सकता हूं बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, आई डोंट थिंक सो। और सिंपली मैं कोशिश करूंगा, या तो इसे मार दूं तो मुझे बहुत सारी एक्सपी मिल जाएंगे, और चलो इससे काम तो हो जाएगा, एटलीस्ट मेरे पोकेमॉन का लेवल बहुत इंक्रीज हो जाएगा। मुझे यहाँ बाइक मिल गया, और बाइक मिला वैसे ही यहाँ पे तो वो एल डी को उड़ के आना चाहिए था, लेकिन खंगेज खान उड़ के आ रहा। ओ भाई वहाँ बैठा भाई, मैं नहीं पंगा। ओरे बाप रे बाप, भाई देखो तीन तीन पोकेमोन कितने खतरनाक वाले। एक्चुअली ड्रगडिगोन तो है ही मेरे पास, थंडरस और वो गजलॉर्ड नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बचली वाली लेवल अप करते हैं। सो मैंने सेकंड जिम भी जाकर लड़ लिया, और भाई साहब ड्रगडिगोन तगड़ा पोकेमोन है सच में यार, इससे मैंने बहुत इजीली सारे पोकेमोन को यहाँ के हराया। और उसके बाद मैं जब यहाँ पे जैसे ही वो सिटी को मैं पास कर रहा था, इस वाले चेंबर में पहुँचता हूँ, और पता चलता भाई यहाँ पे एक बेल्डम मिलता है, और इस वो नहीं चाहिए थे भाई, ये उम्मीद से बहुत ज़्यादा आगे था लिटरली। मुझे सेकंड जिम बैच अर्न करने के बाद स्कोटर मिल जाता है, तो ये बहुत सही हुआ आफ्टर ऑल। मैं भाई अब देखो, अब तो चाहिए लास्ट वाला बल्बसॉर, उसके लिए मैं यहाँ पे एक नोटिस चीज़ करता हूँ कि बार बार यहाँ पे ना कुछ पोकेमोन ना न्यू अपीयर्स हो रहे थे। लाइक मैं जब भी पूरे ग्रास फील्ड को छान मार रहा था, तो मालूम चल रहा कि नए नए पोकेमोन अपीयर हो रहे। देखो पॉपलियो, वुलपिक्स, और यहाँ पे सोलरॉक ऐसी कुछ है भाई साहब, ये सही था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, दो चार बार और घूम घाम के देखते हैं, लेट्स सी यहाँ पे क्या मिलता है। तुम भाई मेरा तो चांदी हो जाएगा ना। अरे यार नहीं यार, शैंशू हो रहा है, और ये पप्पी वाले पोकेमॉन कुछ है नहीं, ये नहीं चाहिए। आ तो जा बल्बासोर कहीं से भी यार। ऑल राइट इस बार, ओ वाओ जोर हुआ, नहीं भाई ये अभी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ मेरे वो बल्बासोर, ओनली वही बचा हुआ है, वो अगर पकड़ा जाए तो मुझे और ज़्यादा भाई, एक्चुअली में एक दिन लग गया पूरा। ओ भाई मिल गया, फाइनली मिल गया, बाप रे बाप, फाइनली यार तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फाइनली गाइस, ये मेरा चैलेंज तभी कंप्लीट होगा जब मैं इसे पकड़ूंगा, और जाके मैं बड़े स्क्रीन पे तुम्हें ये दिखाऊंगा कि मेरे जनरेशन 1 के स्टार्टर्स में पकड़ लिया। और भाई ये सच में बहुत मुश्किल था यार, मुझे तो लग रहा था कि मुझे और 3-4 जिम बैजेस अर्न करने होंगे, और बड़े बड़े सिटीज में जाना पड़ा, तब मैं बल्बसॉर पकड़ सकता हूँ, लेकिन ये चलो ठीक है भाई मत आ गया, पहले से पकड़ लेते ग्रेड बॉल से। Very good. All right.
I'm so happy dude, सच में. मैंने सोचा था नहीं, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि ये चैलेंज हो पाएगा और फाइनली हो गया. मुझे लगा था और भी टाइम लग सकता लेकिन नहीं भाई, मज़ा आ गया. वैसे मेरा ये वर्ल्ड टोटल भी अपग्रेड हो गया, आई मीन इवॉल्व हो गया था. सो मैं बिग स्क्रीन में देखना चाहता मेरे सारे जनरेशन वन के स्टार्टर्स. सो ये रहा सारे के सारे, मतलब तीनों फर्स्ट वाले. ऑल राइट, तो गाइस आज की वीडियो जरूर बताना कैसे लगी तुम लोगों को, ठीक है. मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो पे. शुक्रिया, थैंक यू.